अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने कॉलेज और स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था वो बनाना सीखा था, और इसमें सेव के बटन के ऊपर कोडिंग की थी। आज हम जो कोडिंग है वो करेंगे व्यू डेटा के ऊपर, कि अगर आपने जो सेव किया है डेटा उसको व्यू किस तरह से करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूँ। आप जो है ना वो इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो हमारी वेबसाइट विजिट करके उधर से जो है वो देख भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। myustaji.com आप सर्च करेंगे, इधर ऊपर टैब है प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स में आपको कॉलेज या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा जो है ये विजिबल होगा। तो इधर से हमने जो लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है आप उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है, फॉर्म डिज़ाइन कैसे करना है और उसको कोड किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे कोड और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डिस्प्ले कर दी हैं, तो आप इधर से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो आते हैं वापस अपने कोड की तरफ। हमने व्यू डेटा जो है इसका कोड करना है। अब देखें, डेटा हम देखना चाह रहे हैं टेबल के फॉर्म में। ठीक है, टेबल में डेटा शो कराना चाह रहे हैं, तो हम एक नया फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे। नया फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद इधर ये आपका पैकेज है। ठीक है, कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, ये इसका पैकेज है। इस पैकेज पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे न्यू, और आपको चाहिए जे फ्रेम फॉर्म। इस फॉर्म का आप नेम रख लें, सपोज के हम कहते हैं जी व्यू स्टूडेंट डेटा। ठीक है, ये इस फॉर्म का मैंने नेम रख लिया, इसको सेव कर लें, आपके पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म पे हमने टेबल प्लेस करना है, तो राइट साइड पे पैलेट और प्रॉपर्टी ये सारे डिस्प्ले हो रही होंगी। पैलेट पे आप क्लिक करेंगे, इसको पिन कर लेंगे, और इसमें से आप देखेंगे कि टेबल किधर पड़ा है। तो ऑप्शंस में ये टेबल है, टेबल पे आप क्लिक करके इधर आके टेबल को ड्रॉप कर देंगे। आप जितना साइज इसका चाहते हैं वो साइज रख लें। ठीक हो गया, तो ये टेबल का कुछ साइज जो है हुआ। उसके बाद टेबल का नेम रखना है, तो राइट क्लिक करेंगे चेंज वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इधर रख लेते हैं माई टीबीएल। ठीक है, माई टेबल, तो ये टेबल का नेम हो गया। अब हमने इसके लिए कोड करना है डेटा को शो करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसके सोर्स कोड में आ जाएंगे। सोर्स कोड में आने के बाद पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, डेटा को रिट्राइव करेगा। तो पब्लिक, अच्छा इसमें यह भी आपने बात याद रखनी है कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैंने अलहदा से लेक्चर बनाया है, आप उस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। पब्लिक क्या होता है, फंक्शन जो है मेथड्स, बेसिकली जावा के अंदर मेथड्स जो है वो बोला जाता है। तो मेथड्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होती है, इन सब का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जो है वो इनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो पब्लिक वॉइड शो डेटा, ठीक है, ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है या मेथड क्रिएट कर लिया है जो डेटा को क्या करेगा, शो करेगा। अब इससे पहले क्या है, जैसे कि जब हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था या लॉगिन फॉर्म बनाया था, तो कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं किसका, हमारा जो ये इंटरफेस है और जो डेटाबेस है जिसको हमने यूज करने जा रहे हैं। तो इधर हमें एक कनेक्शन की क्लास चाहिए, कनेक्शन, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम मैंने रख लिया कौन। इसी तरह से एक स्टेटमेंट की क्लास चाहिए, और इस स्टेटमेंट की क्लास का नेम मैंने रख लिया एसटी। इसी तरह हमें एक जो है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जो है वो क्लास चाहिए, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इस ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया पीएसटी। एक हमें रिजल्ट सेट की क्लास चाहिए, और इसका ऑब्जेक्ट नेम रख लिया मैंने आरएस। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो आप कनेक्शन की क्लास पे जाके आल्ट एंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो एड इम्पोर्ट जावा डॉट सीक्वल कनेक्शन, आपने सीक्वल कनेक्शन पे क्लिक करना है, बाकी किसी को आपने चूज नहीं करना। तो सीक्वल कनेक्शन, इसी तरह स्टेटमेंट पे जाके आल्ट एंटर, जावा सीक्वल स्टेटमेंट यूज करनी है, बीन्स स्टेटमेंट यूज नहीं करनी। सिमिलरली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, सिमिलरली रिजल्ट सेट और रिजल्ट सेट। ठीक है, तो चारों जो है वो कनेक्शन के लिए और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब हमने क्या करना है, कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना है डेटाबेस के साथ। तो कौन इक्वल्स ड्राइवर मैनेजर की क्लास जो है वो इधर यूज की जाती है, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें तीन स्ट्रिंग्स होती हैं गेट कनेक्शन की क्लास में, कौन कौन सी, एक तो यूआरएल होता है, सेकंड वन जो है वो यूजर नेम, और थर्ड वन पासवर्ड। तो ये प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूआरएल किस तरह से कॉपी करते होते हैं, आपने सिंपली जाना है
डेटाबेस के ऊपर, जो आपके डेटाबेस है ये डेटाबेस है, डेटाबेस पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो ये सेकेंड नंबर पे यूआरएल लिखा हुआ है, इस यूआरएल को आप सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये यूआरएल आपने इधर पेस्ट कर देना है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड देना है। और यूजर नेम और पासवर्ड हमने क्या क्रिएट किया है, यूजर नेम और पासवर्ड कॉलेज कॉलेज है, तो इधर आप यूजर नेम और पासवर्ड टाइप कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। कॉलेज ही मेरा यूजर नेम है और कॉलेज ही आपका जो है वो पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना होता है, हमने ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर, क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन है, इधर से एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो ट्राई का ब्लॉक क्रिएट करें, कैच का ब्लॉक क्रिएट करें, जिधर से एक्सेप्शन को आपने हैंडल करना है, ठीक है। और ये ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर आके आपने ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको इधर पेस्ट कर देना है। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, ड्राइवर्स वगैरह ऐड करेगा। अब हमने क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी बहुत ही सिंपल है, स्ट्रिंग क्यू, एक आपने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर आप क्वेरी जो है वो टाइप करेंगे। क्वेरी क्या है, देखें, अब हमने आपका टेबल जो है, टेबल है जी ये वाला स्टूडेंट, इसका डेटा देखना है। तो अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट की क्वेरी जो है वो इधर यूज करनी है, ठीक है। टेबल में से डेटा सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है तमाम डेटा। फिलहाल हम जो है वो सारा डेटा एक्सेस करके देखने लगे हैं। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, और लास्ट पे सेमी कॉलन। तो ये आपका टेबल नेम आ जाएगा, मतलब सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। और ये क्वेरी जो स्ट्रिंग पड़ी है ये किस में पड़ी है, क्यू वेरिएबल के अंदर पड़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपली स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करनी है, पीएसटी मतलब प्रिपेयर स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको आपने यूज करना है। और इसमें आपने बताना है कि मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कौन के ऑब्जेक्ट के अंदर, और डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, आपकी क्वेरी आ जाएगी जो अभी आपने लिखी थी, ठीक है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए प्रिपेयर हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है, तो रिजल्ट सेट इक्वल्स प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। इस क्वेरी को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। अब जो आंसर है, जो रिजल्ट है क्वेरी का, वो किसके अंदर आ चुका है, वो आरएस ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है। अब इसको यूज करते हुए आपने डेटा को डिस्प्ले करना है टेबल में। अब देखें, टेबल में डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक जो है लाइब्रेरी फाइल, जार फाइल यूज करेंगे। तो जार फाइल जो है वो मैं साथ में उसका लिंक भी दे दूंगा जिधर से आपने डाउनलोड करनी है। जार फाइल को आपने ऐड कैसे करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आके लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं, लाइब्रेरीज पे जाके आपने इधर ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ऐड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपने, सॉरी, ऐड जार फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो आपको आरएस टू एक्सएमएल, ठीक है, रिजल्ट सेट टू एक्सएमएल, मतलब टेबल के अंदर आपने डेटा डिस्प्ले करना है, तो इसको आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है। मैंने पहले से इम्पोर्ट कर रखा है, और सिंपली आपने ओके करना है। तो रिजल्ट सेट के लिए जो टेबल की जार फाइल है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने टेबल का नेम लिखना है। मैंने अपने टेबल का नाम रखा है माई टेबीएल डॉट सेट मॉडल का फंक्शन जो है वो आप यूज करेंगे टेबल में डेटा डिस्प्ले करने के लिए। और इधर डीबी यूटिल्स मतलब डेटाबेस की यूटिलिटीज जो है वो हम यूज करने जा रहे हैं। तो डी बड़ा बी छोटा यू टी आई एल एस डीपी यूटिल्स और रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और इसके अंदर जो आपने आरएस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम आ जाएगा जिसके अंदर आपका आंसर है। तो ये आपका फंक्शन क्रिएट हो गया है। इधर आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। और दिस, अब दिस कीवर्ड क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका भी मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलहदा से लेक्चर बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और ex, ठीक है, तो जो भी एक्सेप्शन रेज होगी, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। एनी हाउ, अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है। प्रोजेक्ट को रन करने से पहले हमने ये शो डेटा का फंक्शन कॉल करना है। देखें, ऐसे ही प्रोजेक्ट रन करते हैं तो ये फंक्शन हमने कॉल तो नहीं किया, ठीक
ठीक है, सिंपली वैसे ही आंसर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। अब इस फंक्शन को कॉल किधर करना है, क्वेश्चन ये है। या तो आप कोई बटन लगा के, इधर आप कोई बटन लगा लें और बटन के ऊपर इसको कॉल कर लें, या फिर हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम चलाएंगे तो तब क्या हो जाए, ये खुद ब खुद डेटा लोड हो जाए, तो तब वो किधर लिखते होते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में इसको, फंक्शन को आपने कॉल करना है, फंक्शन का नेम और लास्ट पे सेमी कॉलन। अब देखें, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका जो डेटा है वो टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं आ रही, क्योंकि जो हमारा टेबल है उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। हमने जस्ट वो वाली फील्ड शो करना चाहते हैं जो हमारे काम की है। सपोज के हम जो फॉर्म नंबर और स्टूडेंट का नेम, ये दो फील्ड शो करना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं, तो आप क्वेरी को चेंज करेंगे। मतलब आप कहेंगे मैंने सारा सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्ट क्या क्या करना है। इधर हम टेबल को खोल लेते हैं, टेबल को खोल के देख लेते हैं कि टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो txtf नंबर, एक तो ये सिलेक्ट करना है, txtf नंबर एज का मतलब है कि उधर कौन सा नाम लिखा आएगा। तो आपने txtf नंबर एज लिख के लिख दिया जी फॉर्म नंबर, और कॉमा, और कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है जी, txt नेम, तो txt नेम एज नेम। ठीक है, अब दोबारा से प्रोग्राम रन करते हैं, शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे, तो अब अगर आप देखें तो सिर्फ फॉर्म नंबर और नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब ये अलहदा हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। अब इस फॉर्म को आपने क्या करना है, इस फॉर्म को इस बटन के ऊपर कॉल करना है, व्यू डेटा के ऊपर। तो आप व्यू डेटा पे जाके डबल क्लिक करोगे, अब ये फॉर्म का जो नाम है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, व्यू स्टूडेंट डेटा, ठीक है, गेट डेटा, ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम, और उसके बाद न्यू कंस्ट्रक्टर। होप सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो गेट डेटा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और गेट डेटा डॉट, अब क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने सेट विजिबल ट्रू करना है। ठीक है, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो फॉर्म है, व्यू डेटा, व्यू स्टूडेंट डेटा वाला, ये क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। तो अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म को। अब स्टूडेंट फॉर्म को मैंने रन किया और व्यू डेटा पे क्लिक किया, जो ही व्यू डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म के ऊपर जो डेटा था वो विजिबल हो जाएगा। आप इधर क्लोज का बटन भी लगा सकते हैं इसको क्लोज करने के लिए। क्लियर है, होप सो। डेटा को टेबल के अंदर किस तरह से शो करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।